हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CNKHB आज आपके लिए लेकर आया हूँ झरण तेल। ये देखिए, आप देख सकते हो झरण तेल। झरण तेल एक्चुअली क्या है, खुशबूदार तेल है जो बालों में लगाने के लिए यूज होता है। ये देखिए, बाल बढ़ाने वाला। तो दोस्तों, ये झरण तेल जो है, मतलब कहना चाहिए कि हेयर ऑयल है, हेयर कंपाउंड ऑयल है। न्यू अट्रैक्टिक पैक आप देख सकते हैं उसको, झरण तेल हेयर ऑयल कंपाउंड। ये जैसे कि आपका बाल बढ़ाने में, आपका मतलब बाल बढ़ाने में खुशबूदार तेल बनाने के लिए ये यूज़ होगा। मतलब कैसे कि जैसे कि आप कोई तेल ले लीजिए, जैसे कि आपने कौन सा तेल लिए, एक प्रकार से आपने नारियल का तेल लिए, आपने तिल्ली का तेल लिए, तिल का तेल, नारियल का तेल और सरसों का तेल ले सकते हो। तो मतलब आप किसी भी प्रकार का घर में आप तेल बनाते हो, मतलब घर में तेल मतलब ऐसा है कि आप खुद ही तेल को तैयार करते हो। और वो तेल क्या बनता है, एक्चुअली वो तेल जो बनता है, आप घर में जो तेल बनाते हो वो बनता है बदबूदार तेल, वो लगाने में लायक नहीं रहता है जो तेल आप बनाओगे अपने बालों के लिए। क्योंकि घरेलू नुस्खा भी कहना चाहिए कि लोग आजमाते हैं बालों को, मतलब बालों के लिए तेल बनाने के लिए, मतलब बालों के लिए तेल बनाना घरेलू नुस्खा भी आजमाते हैं कि मैं इस प्रकार का तेल बना लूँगा, इसमें ये मिला के तेल बना लूँगा, तो तेल बनाने के बाद उसको फिर बालों में लगाऊँगा। मतलब घरेलू नुस्खा जो कहना चाहिए कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला के तेल को बनाते हैं, तो तेल तो बन जाता है, पर वो तेल जो बनता है वो बनता है बदबूदार। मतलब वो कहना चाहिए कि लगाने लायक नहीं रहता। मतलब आप उसको लगाते हो तो वो तेल क्या है, कहना चाहिए कि बास मारता है, बदबू मारता है, उस पर कोई खुशबू नहीं रहती। तो आप जो भी तेल बनाओ तो उसमें ये आप तेल एक बॉटल इसमें डाल लो, आधा लीटर या 500 ml जो भी कहना चाहिए कि तेल बनाओ आप, आधा लीटर मिनिमम ये काम करेगा। आधा लीटर तेल में आप ये एक बॉटल को पूरी डाल दो तो ये झरण तेल मतलब खुशबूदार तेल है, जो आपका बदबूदार तेल है उसको खुशबूदार तेल बना देगा। जिससे क्या होगा कि आप बालों के लिए जो भी तेल बनाओगे, मतलब नारियल का तेल भी बनाए हो, नारियल के तेल में और भी कुछ तेल ऐड करोगे, दो तीन प्रकार के तेल ऐड करोगे, सरसों के तेल में कुछ तेल ऐड करोगे, मतलब कुछ भी आप जो भी तेल अपने बालों के लिए बनाओगे या फिर शरीर में लगाने के लिए तेल बनाओगे पूरी बॉडी में, तो उसमें आप झरण तेल को मिला लीजिए एक बॉटल। तो ये झरण तेल क्या है, खुशबूदार तेल है। उस तेल को खुशबू के लिए उसको मतलब खुशबूदार तेल बना देगा ये। ये इस टाइप की बॉटल रहती है, छोटी सी बॉटल है ये झरण तेल की, ये बालों को खुशबूदार तेल बनाने के लिए यूज़ होती है। इसके बात किया जाए कि इसकी MRP 50 rupees इसकी MRP है और अट्रैक्टिव पैक है ये झरण तेल, तो आप देख सकते हो झरण तेल है ये। आप किसी प्रकार के बालों का तेल बनाओ तो उसमें ये तेल को आप ऐड कर सकते हो। दोस्तों, आज के महंगाई के ज़माने में जनता, विशेषतः मध्यम वर्ग के लोग जो है वो गुणकारी और विश्वसनीय और सुगंधित केश तेल घर में ही बना सके, इसके लिए आप मतलब ये झरण तेल जो है आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा तेल है। आज के समय में क्या है कि तेल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, मध्यम वर्ग के लिए वो तेल खरीदने जाए मार्केट में तो उनको ज़्यादा कॉस्टली लगता है, तो घर में ही आप तेल बना सकते हैं। मूंगफली का तेल बना सकते हैं, तिल का तेल जो होता है वो बना सकते हैं आप, अपना नारियल का तेल भी है इसमें भी आप इस तेल को डाल सकते हैं। जैसे 500 ml का आप नारियल का तेल ले लें, उसमें पूरी एक बॉटल इसमें डाल सकते हैं, तो ये क्या है आपका सुगंधित तेल बन जाएगा, मनपसंद तेल बन जाएगा। दोस्तों, आपकी पसंद का कोई भी तेल लेकर 500 ग्राम तेल लेना है आपको, आपके जो भी पसंद का तेल हो, आप जिसे भी यूज़ करना चाहते हो वो तेल आपको लेना है। उसके बाद आपको झरण तेल की पूरी एक बॉटल उस तेल में मिला लेना है और अच्छे से मिलाने के बाद उसको अच्छे से शेक कर लेना, शेक मतलब उसको अच्छे से हिला लेना है। और उसके बाद दोस्तों ये तेल आपका तैयार हो गया, कहना चाहिए कि खुशबूदार तेल सुविधायुक्त आपके घर में ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए तैयार हो जाएगा।
तो दोस्तों इसको मतलब आप जब तेल बनाओगे तो इसको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको किसी प्रकार से उबालना नहीं है, छानना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसमें 500 ml का आपका पसंदीदा तेल लेना है और उसको क्या करना है, तेल के साथ इसको मिला लेना है और ये आपका खुशबूदार तेल सभी के लिए बन गया। तो आप इसे लगा सकते हैं, इससे क्या होगा आपके बालों में शाइनिंग आएगी, खुशबू करेगा। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे मतलब झरण तेल के जो है नाम से भी बहुत सारे नकली तेल बिक रहे हैं, तो आप इन तेलों से सावधान रहें। उसमें क्या होता है कि नकली तेल भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको एक पर्ची दी जाएगी, पर्ची में आपको लिखा होगा कि किस प्रकार का तेल मतलब उसमें है। तो इसमें देखिए दोस्तों लिखा है कि नकल से सावधान, झरण तेल अब नए आकर्षक पैक में। असली झरण तेल की बोतल को परखने के लिए बोतल के नीचे हिंदी में झरण अवश्य चेक करें। तो इसमें लिखा है दोस्तों कि हिंदी में झरण, ये देखिए दोस्तों ये लिखा है झरण, हिंदी में लिखा है झरण, तो आपको ये चेक करना है। फिर इसमें लिखा है होलोग्राम स्टिकर के मिरर इफेक्ट है, इसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों इसमें होलो मार्क है, ये आप देख सकते हो, ये दिख रहा है, ये देखिए ये होलो मार्क है, तो इसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। फिर दोस्तों इसमें लिखा है कि झरण तेल से मतलब जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारे मार्केट में नकल बनाने गुणवत्ताहीन प्रोडक्ट झरण तेल बेच रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए ही हमने यह नया पैकिंग रखा है। इस पैकिंग बनाना मुमकिन नहीं है, हमारी जो इनकी संस्थान है उसमें संस्थापक के फ़ोटो भी दिया है और पैकिंग को इन्होंने चेंज किया है, तो आप होलो मार्क देख सकते हैं, ये होलो मार्क है इनका, ये देखिए चमकीला, और ये जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उनकी फ़ोटो है, ये प्रोडक्ट जिन्होंने तैयार किया है उनकी फ़ोटो है दोस्तों। तो मार्केट में बहुत सारे झरण तेल के नाम से बिक रहे हैं, तो आप सावधान रहें। इसमें सावधान करने के लिए भी एक पर्ची दी है कि आप किस प्रकार से इसकी पहचान कर सकते हो। ये दोस्तों 50 रुपये का आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये खुशबूदार तेल बनाने के लिए, मतलब तेल में तेल मिलाकर बनाने के लिए, अलग तेल में खुशबूदार तेल बनाने के लिए झरण तेल है। तो दोस्तों मैं इसको आपको मिक्स करके बताऊंगा कि आप किस प्रकार से तेल को, इस तेल को तेल के साथ मिक्स कर सकते हो और खुशबूदार बना सकते हो। ये देखिए दोस्तों मैं झरण तेल को, ये है तेल रेड ऑनियन हेयर ऑयल, इसको मैं, इसमें मैं ये झरण तेल को मिलाऊंगा, मतलब ये है रेड ऑनियन ऑयल, ये है एक्चुअली कहना चाहिए कि ये प्याज का तेल है, है ना। तो प्याज का तेल क्या है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि बदबूदार है, इसमें इतनी खुशबू नहीं है जितना लगाना चाहिए, लगाने के बाद इसमें क्या है बदबू आती है। तो मैं ये तेल, ये प्याज का तेल है, ये तेल को बदबू आती है एक्चुअली इसको लगाने के बाद, तो मैं ये झरण तेल इसमें मिलाऊँगा, तो इससे क्या है खुशबू बढ़ जाएगी, तो खुशबू बढ़ जाती है, तो ये लगाने में बहुत ही अच्छा सुगंधित और कहना चाहिए कि परफ्यूम वाला तेल बन जाएगा, खुशबूदार तेल बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैं ये झरण तेल को निकालता हूँ और इसकी कुछ मात्रा अभी इसमें ख़त्म हो चुका है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ करना है। ये देखिए ये ढक्कन खोले दोस्तों और ये तेल को मिलाना है इसमें, ये देखिए मैंने इसको ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ ये तेल को, खुशबूदार तेल बनाने के लिए। तो आपको इस प्रकार से इसको यूज़ करना है दोस्तों, ये हो गया, मतलब किसी प्रकार का आप तेल ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो, नारियल का तेल ले सकते हो, मूंगफली का तेल ले सकते हो, या आपके द्वारा बनाया गया तेल भी ले सकते हो, और इस तेल को आपको इस पर मिलाना है, मतलब किसी भी तेल में आपके सुविधा अनुसार, मतलब आपको जो तेल पसंद आए उस तेल को आपको इस पर मिलाना है, तो तेल आपका खुशबूदार बन जाएगा। आपने देखा हो प्याज का तेल दोस्तों, ये बहुत बदबूदार तेल है, खुशबू इसमें नहीं है, तो आप इसको बना सकते हो खुशबूदार तेल, झरण तेल मार्केट में आपको कहीं मिल जाएगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा सुगंधित
खुशबूदार तेल है, मतलब कहना चाहिए कि यदि आप बाल में लगाओगे तो आपको चार लोग बोलेंगे कि आपने बालों में क्या लगा लिया, बहुत अच्छे मतलब खुशबू आ रही है। तो इसको आप यूज़ करें दोस्तों, बहुत अच्छा तेल है ये बालों के लिए, खुशबूदार सुगंधित तेल। दोस्तों आज के इस महंगाई के ज़माने में जनता, विशेषतः मध्यम वर्ग के लोग गुणकारी, विश्वसनीय और सुगंधित केश तेल घर में ही बना सके, इसी आशा से वर्षों से अनुभवी अहमदाबाद की कंपनी है ये एक्चुअली, झरन तेल पेश करती है, मतलब अनुभवी झरन तेल के बारे में बताया गया है। इसमें आप मूंगफली का तेल, तिल का तेल अथवा नारियल का तेल, इनमें से अपनी पसंद का कोई भी 500 ग्राम का तेल लेकर उसमें झरन की एक बोतल मिलाकर हिलाइए और लीजिए। मतलब आपको क्या करना है कि मतलब 500 ml के आपके आपका जो भी पसंदीदा तेल है उसमें 500 ml की बोतल तेल की लेना है, पसंदीदा तेल की, और उसमें झरन का तेल जो है एक बोतल पूरी मिलाना है और फिर उसको हिलाना है। इसके बाद आपका तेल जो है आपका मन पसंद सुगंधित और विश्वसनीय सुविधा युक्त आपका तेल, गुणकारी तेल, केश तेल तैयार हो जाएगा। उबालने की और के दूसरी कोई झंझट नहीं है इस तेल को बनाने के बाद। आपको इस प्रकार से अपने घर में ही झरन से बनाया हुआ शुद्ध व गुणकारी केश तेल आपके तथा आपके परिवार के लिए उपयोगी है। समृद्धिशाली परिवार के लोग चाहे तो अपनी पसंद के अन्य केश तेलों में इसे मिलाकर झरन के गुणों का लाभ भी उठा सकते हैं। संक्षिप्त में सारे परिवार के लिए सुगंधित तथा विश्वसनीय केश तेल बनाने के लिए झरन सचमुच ही एक आदर्श और अनुपम शोध है। तो दोस्तों ये था झरन तेल के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा झरन तेल के बारे में, मतलब उसको झरन तेल को कैसे यूज़ करना है, कैसे मिलाना है, उसकी जानकारी आपको दोस्तों पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। और आप मेरे चैनल पर नए हों दोस्तों तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सर दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।